अच्छा, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र 2023 आज से शुरू हो रहा है। पहले दिन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल विधानमंडल के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करते हुए अभिभाषण पेश करेंगी और इसके बाद 22 फरवरी को योगी आदित्यनाथ सरकार का वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट विधानमंडल के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। बजट में युवाओं और महिलाओं पर खास फोकस होने के आसार हैं। सरकार इस बजट में कई योजनाओं के लिए युवाओं पर फोकस कर सकती है। मिली जानकारी के अनुसार योगी सरकार वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम निर्माण के लिए बजट आवंटित कर सकती है। वहीं मेरठ में आपको बता दें कि मेरठ ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का निर्माण को लेकर भी ऐलान किया जा सकता है। योगी सरकार की दूसरे कार्यकाल का बजट सत्र पेश किया जाएगा उत्तर प्रदेश विधानसभा का। आपको बता दें कि विधानमंडल का बजट सत्र 2023 आज से शुरू हो रहा है और पहले दिन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल विधानमंडल के दोनों सत्रों को संयुक्त रूप से संबोधित करते हुए अभिभाषण पेश करेंगी। इसके बाद 22 फरवरी को योगी आदित्यनाथ सरकार का वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट विधानमंडल के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। बजट में युवाओं और महिलाओं पर खास फोकस होने की आसार हैं। सरकार इस बजट में कई योजनाओं के लिए भी युवाओं पर फोकस कर सकती है। मिली जानकारी के अनुसार योगी सरकार वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम निर्माण के लिए बजट आवंटित कर सकती है। वहीं मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का निर्माण को लेकर भी आज ऐलान किया जा सकता है। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट, आपको बता दें कि, और अधिक जानकारी के लिए बात करेंगे लखनऊ से सारा समय संवाददाता शारिब जाफरी से। शारिब, उत्तर प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र 2023 आज से शुरू हो रहा है, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू होना है और 10 मार्च तक चलेगा, ऐसा फिलहाल कार्यमंत्रणा की समिति की बैठक में तय किया गया है। लेकिन जो हालात हैं उससे देखकर यह स्पष्ट है कि सत्र काफी हंगामेदार होगा, क्योंकि पहले ही समाजवादी पार्टी के जो तमाम विधायक हैं उन्होंने अपना रुख साफ कर दिया है। विधानसभा के बाहर जो चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा है वहां पे सफाई विधायक धरना प्रदर्शन करना चाहते थे, उनको नहीं घुसने दिया और दमकर हंगामा हुआ है। एक तरीके से देख सकते हैं कि आज का सत्र जो होना, इस वक्त फिर हम देख रहे हैं कि झड़प चल रही है। विधानसभा के जो सत्ताधार हैं वो एक बार फिर से मीडिया कर्मियों के साथ भी एक बार धक्का मुक्ति करते हैं और ये माहौल पहली बार था जिसकी विधानसभा के जब तमाम तैयार है, ये कह सकते हैं कि आज का सत्र जो होगा न सिर्फ जो सरकार बजट पेश करेगी उसको लेकर, बल्कि सपा ने भी अपने तरफ से ये तय कर दिया है तो उसका रुख किस तरीके का होगा, जनता के सरोकार से जुड़े जो मुद्दे होंगे वो विधानसभा सत्र के दौरान आए जाएंगे। तो रामचरित मानस जैसे जो मुद्दे लगातार पाकिस्तान मोदी ने गर्म कर रखे थे उन मुद्दों को विधानसभा के अंदर टच नहीं किया जाएगा। आज का जो माहौल है, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव पिछले 7 साल के बाद पहली बार इस तरीके से एग्रेसिव मूड में सफाई कैंप के साथ में है, इसलिए ये हम देख रहे हैं कि सपा के जो विधायक हैं वो काफी एग्रेसिव हैं और शिवपाल यादव उन सबका नेतृत्व कर रहे हैं। सत्र काफी हंगामेदार होगा, ये तय है। आज क्योंकि राज्यपाल का अभिभाषण होना है, ऐसे में सुरक्षा भी कड़ी है और जहां पर धरना प्रदर्शन हुआ करता था वहां से पूरा कहा जा सकता है छावनी में तब्दील कर दिया गया है। तो हंगामा जारी है फिलहाल सत्र के अंदर। अभी भी आपको जिस तरीके की आवाज है तमाम जो विजुअल दिखाई दे रहे होंगे उससे स्पष्ट है कि हंगामा और होना है। बिल्कुल, यानी आज से बजट सत्र शुरू हो रहा है और 10 मार्च तक चलेगा ये बजट सत्र और इस बजट सत्र में योगी सरकार की वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट विधानमंडल के बाद 22 फरवरी को पेश किया जाएगा। शारिब, बिल्कुल, देखिए बजट सत्र का आज राज्यपाल का अभिभाषण होगा। बिल्कुल, राज्यपाल सरकार की क्या क्या योजनाएं हैं, किस तरीके से सरकार ने काम किए हैं, आगे क्या कार्य योजना है, उन मुद्दों को सरकार लेके आगे बढ़ेगी, वो पूरा खाका पेश करेंगी। 22 तारीख को सरकार का बजट पेश होगा अगले वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए
और उम्मीद ये की जा रही है कि सरकार जन सरोकार से जुड़े कई जो योजनाएं थी उनमें बजट बढ़ाएगी। फिलहाल जो माहौल है आज की अगर हम बात करें तो हंगामा बरपा है पूरे विधानसभा में, क्योंकि सफाई विधायकों को किसी तरह से मार्शल ने जो तमाम रक्षा गार्ड है विधानसभा के उन्होंने हटाया है, पुलिस फोर्स बड़े पैमाने पर तैनात है और उम्मीद ये की जा रही है कि कुछ देर में हंगामा किसी सूरत से जब हंगामा शांत होगा उसके बाद सदन जब राज्यपाल पहुंचेंगे तो कार्रवाई होगी। बिल्कुल उम्मीद कार्रवाई 11 बजे से शुरू होगी, यानी शरीफ उम्मीद की जा रही है कि जब यह हंगामा शांत होगा तो उसके बाद सदन में कार्रवाई शुरू होगी। शरीफ बिल्कुल 11 बजे से विधानसभा सत्र की शुरुआत होती है, इसमें सबसे पहले राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का अभिभाषण होगा। इस दौरान वो सत्र में सरकार की क्या क्या योजनाएं हैं, सरकार किस तरह से आगे बढ़ रही है उसको करने की कोशिश पेश करेंगे। उम्मीद ये हम जा रहे हैं सत्र के दौरान इस तरीके का हंगामा देखने की उम्मीद किसी एक वानगी देखने को मिल गई है और जब का हंगामा होगा ये तय माना जा रहा है। सत्र तय सत्र की शुरुआत सत्र की जो पहले से तय था 20 से शुरू होना है, 10 मार्च तक का कार्यक्रम आ गया है, 22 को बजट पेश होगा और एक लंबा चौड़ा बजट पेश होगा और सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आज हंगामे की वजह रही है क्योंकि यहाँ पर प्रोटोकॉल होता है राज्यपाल को आना है, ऐसे में तमाम चीजों को व्यवस्थित करने के लिए इसकी कार्रवाई की गई। बिल्कुल बिल्कुल शारिब, आज योगी सरकार के पिटारों से जनता को क्या क्या उम्मीदें हैं आज? और अरशद इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ में जुड़े हुए हैं अरशद जमाल। आज बजट सत्र पेश किया जाएगा, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है अरशद? योगी सरकार के पिटारे से जनता को आज क्या क्या उम्मीदें हैं, क्या होने वाला है इस बजट सत्र में? जी देखिए, योगी सरकार पार्ट टू का ये दूसरा बजट है और जो कि कहा जाए कि 22 तारीख को बजट पेश किया जाएगा और ऐसे में लोगों को काफी उम्मीदें हैं कि ये बजट बेहतर होगा और राज्य के विकास को लेकर एक नई लाइन खींचेगा। लेकिन जिस तरह से देखा जाए आज राज्यपाल का अभिभाषण है उस पर चर्चा होगी और उसके बाद 22 तारीख को जिस तरह से बजट पेश किया जाएगा उस बजट में अब देखना होगा कि सरकार नई योजनाएं और नई जो बिल हैं वो कौन कौन से ऐसी योजनाएं और बिल पास करवाती है। लेकिन उधर जिस तरह से देखा जाए विपक्ष एक तरह से हंगामेदार मूड में दिखता नजर आ रहा है, जिस तरह से वो सरकार को घेरने पे तुला हुआ है, ऐसे में देखना होगा कि कौन से ऐसे अहम मुद्दे हैं जो सरकार जो है उसको लेकर आगे बढ़ना चाहती है। खास करके देखा जाए जिस तरह से विकास के एजेंडे को लेकर सरकार आगे बढ़ रही है, ऐसे में और जो विकास की योजनाएं हैं या और भी जो बजट हैं कौन से ऐसे एजुकेशन हो या और भी किसी भी फील्ड की बात की जाए किसमें क्या बजट बढ़ाया जा रहा है या बजट कम किया जा रहा है, ऐसे में विपक्ष की निगाहें इस बात पर है कि कौन से इस बजट में कौन सा बिल पास किया जा सकता है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि अब जब राज्यपाल का अभिभाषण होगा और 22 तारीख को जब सुरेश खन्ना वित्त मंत्री जब बजट पेश करेंगे तो बजट में अहम मुद्दा क्या रहता है और सरकार किस चीज को फोकस करके आगे, जिस तरह से देखा जाए 2024 करीब है, लोकसभा चुनाव है, ऐसे में इस बजट में लोकसभा चुनाव को देखते हुए कौन से अहम मुद्दे लेकर सरकार आगे बढ़ रही है। बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि 2024 का चुनाव भी है और आज इस बजट में कौन कौन से बजट में क्या क्या चीजें पेश की जाएंगी, आज इस बजट में कौन कौन से बिल पास किए जाएंगे, किन किन मामलों से सरकार से आस है कि शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा तो बुनियादी जरूरत है, यूपी को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना पूरा करने के लिए और जो वाला बजट है वो क्या होगा? जी अरशद बिल्कुल जाहिर सी बात है, देखिए अभी G20 जिस तरह से यहाँ पर सम्मेलन हुआ और उसके बाद जिस तरह से कहा जाए कि लखनऊ में जिस तरह से इन्वेस्टर्स समिट हुआ इसको लेकर सरकार अग्रसित है और आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है कि किस तरह से ज्यादा इन्वेस्टर्स को यूपी में लाएं और खास करके 2024 के करीब है तो ऐसे में जिस तरह से देखा जाए ये बजट कहीं ना कहीं 2024 को छूता हुआ नजर आएगी, लोगों की उम्मीदों पर खड़ा कहीं ना कहीं दिखती हुई नजर आएगा ये बजट, क्योंकि इस बजट में ये बात जरूर कही जाएगी, सरकार ये पेश करेगी कि हम 2024 के आसपास तक हम ये चीज ये बिल ये चीजें ये काम हम पूरा कर लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए विपक्ष उसको लेकर एकदम बैठा हुआ है कि कहीं ना कहीं हम सरकार को घेरेंगे, लेकिन सरकार जिस तरह से कहा जाए
पूरे प्रदेश में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, मेडिकल की बात की जाए, या जिस तरह की एजुकेशन की बात की जाए, अब देखना होता है कि जिस तरह से रोजगार के मुद्दे पर या फिर नई जो परियोजनाएं हैं उसको लेकर सरकार कौन सी ऐसी परियोजनाएं हैं जिसको लेकर बिल्कुल लगातार विपक्ष घेरने की प्रयास कर रहा है और आज भी लगातार घेरेगा। आपसे पूछना चाहेंगे, रोजगार और व्यापार, ये बड़े पहलू, इनको लेकर क्या उम्मीदें हैं आज लोगों को? जी अरशद, देखिए अब जिस तरह से 22 तारीख को जब बजट पेश होगा तो उस बजट में साफ सरकार कहीं ना कहीं साफ नजरिया रखेगी कि हम एजुकेशन को लेकर या हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर या रोजगार को लेकर कितनी चीजें हम लेकर आते हैं और खासकर किसानों के लिए क्या लेकर आती है ये सरकार बजट में। तो ऐसे में देखा जाए जिस तरह से 2024, मैं बार बार कह रहा हूं कि 2024 करीब है, तो ऐसे में इस बजट में कहीं ना कहीं वो जो 2024 की वो झलक देखने को मिलेगी और सरकार उस पर काम करेगी। सरकार इसलिए काम करेगी क्योंकि 2024 के करीब देखते हुए उस इस बजट में उसको इंप्लीमेंट करने की जरूरत है, चाहे वो किसान की बात हो या रोजगार की बात हो या इंडस्ट्रीज की बात हो या फिर प्रदेश के विकास में अहम मुद्दा हो। ऐसे में सरकार जो है इन्वेस्टर्स को जिस तरह से अब बढ़ावा दे रही है कि ज्यादा से ज्यादा बिजनेस हो और इकोनॉमी प्रदेश की आगे बढ़े, ऐसे में देखा जाए कहीं ना कहीं ये बजट मिला जुला देखने को मिलेगा। और जिस तरह से विपक्ष इसको घेरने की कोशिश कर रहा है बार बार की कि हम सरकार के उन बिल पर खास करके फोकस रखा है, अब देखना होगा कि सरकार कौन कौन से बिल इस बजट सत्र के दौरान, बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि सरकार कौन कौन से बिल इस बजट में पेश करेगी। किसान और महिलाओं को क्या उम्मीद है, क्या मिल सकता है इस बजट में? अरशद, देखिए जिस तरह से देखा जाए किसान के गन्ना भुगतान को लेकर हो सकता है, किसानों के लिए कर्ज माफी का मामला हो सकता है, या फिर कहें कि महिलाओं को कुछ रिजर्वेशन मिल सकता है जिस तरह से कहा जाए एजुकेशन में या फिर नौकरियों के में दें, या हो सकता है कि कुछ और नई योजनाएं सरकार महिलाओं को लेकर चल रही हो उसको हो सकता है बजट में पेश किया जा सके। ये कई अहम मुद्दे हैं, अब देखना होगा कि सरकार 22 तारीख को सुरेश खन्ना अपने पिटारा में क्या क्या लेकर आते हैं महिलाओं के लिए और खास करके प्रदेश के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। यूपी के युवाओं के लिए क्या उम्मीद है, क्या हो सकता है इस बजट में, युवाओं को क्या उम्मीद लग रही है आज बजट में? अर्शद, देखिए अब जिस तरह से देखा जाए कि युवाओं को रोजगार को लेकर सरकार फोकस है, सरकार जिस तरह से देखा जाए जितनी वैकेंसीज अभी भरी नहीं गई हैं उस पर फोकस करेगी कि हम उन विभागों से पूरी पड़ताल करें और उनकी वैकेंसीज को 2024 के आसपास भरी जा सके ताकि जो भी रोजगार मिल सके युवाओं को, या यूं कहें कि गांव से लेकर शहर तक जहां भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिस तरह का ग्रामीण से लेकर शहर तक उनको भरने की कोशिश करेगी सरकार की, युवाओं को रोजगार भी मिले और वो दूसरे प्रदेश ना जाए, इसी प्रदेश में उनको रोजगार। बिल्कुल सरकार अपनी तरफ से बेहतर प्रयास करेगी इस बजट में। फिलहाल ये अहम जानकारी के लिए अरशद आपका शुक्रिया। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ में निमेश जुड़े हुए हैं। निमेश राय, आज बजट सत्र पेश किया जाएगा, उत्तर प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र 2023 आज से शुरू है, क्या कुछ जानकारी है निमेश, क्या होने वाला है इस बजट में? आज बजट सत्र की प्रतीक्षा विपक्ष भी कर रहा है और सरकार रूटीन के तहत ये बजट पेश करेगी इस बार, और ये देखना होगा कि इस बजट में सरकार क्या 2024 के जो लोकसभा चुनाव आने वाले हैं उसकी कुछ झलक या उसको लेकर के कुछ माइंडसेट लेकर के सरकार इस बजट को पेश करेगी जैसी की उम्मीद की जा रही है। लेकिन यहाँ पर स्थानीय लोगों की, वाराणसी के आसपास के लोगों की बात करें तो लोगों को काफी उम्मीदें हैं और ये उम्मीद की जा रही है कि इस बार के बजट में सरकार महंगाई, क्योंकि महंगाई दर इधर भी कुछ बढ़ी हुई है और इससे लोगों को दिक्कत है, तो महंगाई को लेकर के सरकार कुछ न कुछ उपाय करेगी। व्यापारियों को ये उम्मीद है कि टैक्सेशन की जो प्रणाली है उसमें उनको कुछ राहत जरूर मिलेगी, जैसे स्टेट जीएसटी वगैरह में कुछ रियायत मिलने की यहाँ व्यापारी जता रहे हैं। देखना है कि बजट पेश करने के दौरान क्या क्या सरकार व्यापारियों के लिए करती है। तो दूसरी बात सबसे बड़ी है कि जो बेरोजगारी की एक समस्या बार बार विपक्ष उठाता है उसको काउंटर करने के लिए सरकार क्या करती है, ये एक देखने वाली बात होगी। और जैसा कि उम्मीद किया जा रहा है कि अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई यूपी में, काफी बड़े निवेश भी आए हैं, साथ में G20 की बैठकें भी होनी है उत्तर प्रदेश में, तो पैसे का जो रिसोर्स है, जो निवेश है,
वो उत्तर प्रदेश में बढ़ रहा है और बढ़ने वाला है। इसको लेकर के ये उम्मीद जताई जा रही है कि जिस तरह से एक साथ एग्रीकल्चर सेक्टर को और इंडस्ट्रीज को दोनों को साधने की जो कोशिश होगी उसमें एक बड़ा उम्मीद दिखाई देती है कि उत्तर प्रदेश में चीनी मिलें बहुत ज्यादा हैं और जिस तरह से एनर्जी के लिए इथेनॉल का इस्तेमाल बढ़ाने पर जोर है तो शायद कोई योजना ऐसी सरकार लेके आए चीनी मिलों के जरिए जिसमें इथेनॉल का प्रोडक्शन बढ़े और जो ईंधन की कास्ट है वो घटे। दूसरी बात यह है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और इलेक्ट्रिक एनर्जी के इस्तेमाल को लेकर के जिस तरह से जी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में भी काफी जोर दिया गया, बड़े बड़े व्यापारियों ने उसमें निवेश की बात भी कही है, तो एक क्रांति इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की दुनिया में भी आने वाली है और इसको लेकर के अगर सरकार कोई बहुत बढ़िया फोकस बजट में अपनी योजना बना पाती है तो इसमें बेरोजगारी की भी समस्या दूर होने वाली है, इसमें काफी रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। बिल्कुल, रोजगार के अवसर भी लोगों को मिल सकते हैं निमेश, बिल्कुल सही कहा आपने। योगी सरकार के पिटारे से जनता को आज क्या उम्मीदें हैं? शहरों को स्मार्ट बनाने पर भी ध्यान है और पॉलिसिंग भी सही करनी है तो उसपे क्या हो सकता है आज निमेश? देखिए बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि एक तो पॉलिसिंग यानी कि सिक्योरिटी सबसे जरूरी चीज है इन्वेस्टमेंट के लिए और निवेश आपको तभी मिलेगा जबकि व्यापारियों का पैसा या व्यापारियों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सुरक्षा मिले। तो आपने देखा भी होगा कि उत्तर प्रदेश की पॉलिसिंग इन दिनों काफी चर्चा में है पूरे देश भर में और सिक्योरिटी को लेकर के काफी आश्वासन है, इसीलिए काफी व्यापारियों ने यहाँ पे निवेश की संभावना भी जताई थी अभी इन्वेस्टर समिट में, तो उसकी तरफ से एक निश्चिंता है। और आपके जो वित्त मंत्री हैं सुरेश खन्ना जी, वो पहले नगर विकास मंत्री भी रहे हैं तो शहरों के ब्यूटिफिकेशन या नगरों के सुंदरीकरण के लिए जो बात है वो वित्त मंत्री के दिमाग में जरूर होगी और हम उम्मीद कर सकते हैं कि आगे आने वाले समय में जब ये बजट आएगा 22 तारीख को तो इसको लेकर के भी काफी योजनाएं सामने रहेंगी। ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस बार कैसे लोगों को राहत देती है। बिल्कुल दिलचस्प होगा आज देखना कि सरकार आखिर इस बजट में किस तरह के बजट को पेश करती है, कौन कौन सा बिल पास करती है। योगी ने पिछली बार बड़े बजट से बड़े बदलाव की बात कही थी और इस बार बड़ा बजट होगा बदलाव का निमेश? बिल्कुल बड़ा बजट होगा, मैंने पहले भी कहा कि इस समय सरकार को वित्त मंत्री को बजट बनाने में काफी सावधानी रखनी होगी क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत आ रहा है उत्तर प्रदेश में और पैसा अगर आ रहा है तो वो सही ढंग से खर्च हो और ऐसे खर्च हो कि उससे रिवर्स बैक भी आमदनी हो, तो ये बजट बनाना होगा सरकार को। और जब पैसा है तो बजट बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मैंने कहा कि 2-3 सेक्टर्स जो है बहुत फोकस होने वाले हैं। ये तो बिल्कुल सही कहा आपने, अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आज इस बजट में क्या क्या चीजें पेश की जाती, कौन कौन से बिल पेश किए जाते। फिलहाल ये अहम जानकारी के लिए निमेश आपका शुक्रिया। और सारा समय के संवाददाता अनिल शर्मा अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। आज बजट सत्र पेश किया जाएगा, क्या लग रहा है इस बजट में क्या होने वाला है, युवाओं को क्या कुछ उम्मीदें हैं? अनिल जी, अनिल देखिए बिल्कुल आज 2023-24 का बजट सत्र पास होना है और ऐसे में तमाम जो विपक्ष है वो सरकार पर हल्ला बोलने के लिए तैयार है, चाहे वो कोई भी मुद्दा रहा हो, जैसे कि कानपुर देहात का जो माँ बेटी की मौत हुई जिसको लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर होगा, तो कहीं तमाम जो और मुद्दे हैं उनको लेकर भी सत्र में के दौरान ये विपक्ष हमलावर दिखाई देगा। तो कह सकते हैं कि इस बार का सत्र योगी ने बड़े ही सूझबूझ के साथ तैयार किया है और कुछ ही समय बाद उसको पेश किया जाएगा और 22 फरवरी को इस बजट का जो सत्र है वो कहीं ना कहीं उस पर रखा जाएगा। लेकिन जिस तरीके से योगी ने जो बजट पहले भी कई बार बनाए हैं तो कहीं ना कहीं राहत भरा बजट रहा है, लेकिन विपक्ष हमेशा सत्ता पक्ष पर हमलावर रही है। कई मुद्दों को लेकर विपक्ष ने पहले ही तैयारी कर ली है कि योगी सरकार पर उन्हें हमला बोलना है और इस सत्र में भी वो कई मुद्दों को लेकर, चाहे वो नगर निगम के चुनाव रहे हों, चाहे वो आरक्षण के मुद्दे रहे हों, तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष इस बार सरकार को घेरने के मूड में है। लेकिन योगी हमेशा बजट जिस तरीके तैयार करते हैं तो कहीं ना कहीं जनता के लिए एक राहत भरा बजट रहता है, राहत की बात रहती है और जनता को भी काफी उम्मीद है इस बार के बजट से। बजट सत्र है, सरकार की अपनी तैयारियां हैं। बिल्कुल अनिल जी, राज्य सरकार बिल्कुल बजट सत्र है, सरकार की अपनी तैयारियां हैं, विपक्ष भी लगातार घेरने पर लगा है
और तैयारियां हैं, क्या माहौल देखने को वहां पर मिल रहा है आपको अनिल जी? आगरा में क्या माहौल देखने को मिल रहा है? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से विपक्ष ने एक के बाद एक जो मुद्दे हैं उनको तैयार करके सदन में बैठी है, दोनों ही सदनों के लोग यहाँ मौजूद हैं। और कुछ ही समय बाद जब आनंदीबेन पटेल जो राज्यपाल हैं वो सदन को संबोधित करेंगे, उसके बाद तमाम जो विपक्ष है वो जिस तरीके से हमला बोलने की तैयारी में है, उनके पास मुद्दे हैं, चाहे नगर निगम का मुद्दा रहो, नगर निगम का चुनाव क्यों नहीं कराए, आरक्षण को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी है, कानपुर देहात में जो माँ बेटी की मौत हुई थी अतिक्रमण के दौरान उसको लेकर घेरने की तैयारी है, तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर वो सरकार पर हमलावर रहेगी। लेकिन इनसे कोई असर पड़ने वाला नहीं है, योगी सरकार ने जो भी बजट तैयार किया है वो कहीं ना कहीं आम लोगों की जेब को देखते हुए, आम लोगों को ख्याल रखते हुए बजट तैयार किया है, क्योंकि पहले भी कई बार बजट जो रहा है वो कहीं ना कहीं जनता के लिए राहत बढ़ा रहा है। तो ऐसे में जब जनता से बात हुई तो जनता के लोग हैं जो आम लोग भी कह रहे हैं कि इस बार का बजट खास रहेगा, और योगी सरकार कहीं ना कहीं उनकी जेब से लेकर तमाम जो खर्च हैं उन पर ध्यान देगी और उनको राहत भरा बजट रहेगा, इस उम्मीद को लेकर लोग काफी खुश हैं। उसी समय जब बजट पेश होगा तो उसको लेकर, यानी इस बार का बजट खास होने वाला है, किसान और महिलाओं को क्या उम्मीद है, क्या लग रहा है इस बजट में उनके लिए क्या चीजें पेश की जाएंगी? जी अनिल, देखिए बिल्कुल, हमेशा योगी सरकार ने हमेशा किसानों के हित में कई फैसले लिए हैं, बड़े फैसले लिए हैं, तो ऐसे में किसानों को काफी उम्मीद है कि इस बार के बजट से, क्योंकि योगी कहीं ना कहीं किसानों को निराश नहीं करेंगे, चाहे वो महिलाओं की बात हो, महिलाओं के लेकर, महिलाओं की सुरक्षा से लेकर तमाम जो जेब खर्चे हैं या खर्चों को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं योगी सरकार ने हमेशा बजट राहत भरा रहा है। बिल्कुल, तो यानी महिलाओं जनता की चीजों को ध्यान में रखकर ये बजट बनाया जाएगा और आज का बजट खास होने वाला है। फिलहाल अनिल, ये अहम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और फिलहाल वक्त हो चला